एक मिनट भी कैमरा बंद नहीं किया जा रहा यार। इतने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, इतने सुंदर सुंदर रास्ते। ये देखिए टू गंगोत्री, गंगोत्री यहाँ से करीबन 8 किलोमीटर होगा। और हाइट देखो यहाँ से यार आप, वाह बहुत ऊंचे हाइट पर बन रखा है यार ये पुल, बहुत ऊंची हाइट पर। और आई थिंक वी हैव रीच्ड गंगोत्री। ये है जी गंगोत्री का धाम। सो गाइस हम लोग पहुंच गए गंगोत्री धाम। पीछे देखिए आप पहाड़ जिन पे बर्फ़ पड़ी हुई है, सामने मेरे है गंगोत्री धाम का मंदिर, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। और यार बहुत ठंड है यहां पर, अभी अप्रैल में आप लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो घर के अंदर एसी वगैरह चल रहे होंगे आपके, बट यहां पर ठंड है, पीछे बर्फ़ पड़ी हुई है। और ये देखिए पीछे और सामने मेरे है गंगोत्री धाम का मंदिर। तो मंदिर के गर्भगृह की फ़ोटो खींचना तो मना है, बट हम लोग दूर जा रहे हैं थोड़ा सा। ये देखिए तो ये है मंदिर सामने, बहुत ही अच्छा लग रहा है। गंगोत्री भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले का एक हिंदू तीर्थ स्थान है जो उत्तराखंड के चार धाम में से एक है। तो आज सुबह हम लोग चले थे उत्तरकाशी से, यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमें कुछ घंटे लग गए, यानी 4-5 घंटे लग गए हमें। हाँ थोड़ा सा थक गए हैं, सोचेंगे यहाँ पर लंच करने को भी अगर अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हो। बाकी अभी कपाट नहीं खुले हैं तो इसलिए थोड़े से लोग कम हैं यहाँ पर। वैसे भी कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट हम लोग लेके आए और हर कोई ये टेस्ट नहीं कराना चाहता। चलिए अभी नीचे जाएंगे हम लोग, वहाँ पर जाके स्नान गृह बना हुआ है वहाँ पर जाके देखेंगे, और भागीरथी नदी का उद्गम भी देखेंगे। मतलब भागीरथी तो और पीछे से आ रही है, बट यहाँ पर नीचे उनके दर्शन भी करेंगे। गंगोत्री की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 3400 मीटर है। हिमालयन रेंज में बसा गंगोत्री स्थान की ऊंचाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ऋषिकेश की ऊंचाई केवल 340 मीटर है। गंगोत्री मंदिर या गंगोत्री धाम माता गंगा का निवास स्थान है। इस स्थान में माँ गंगा एक छोटी चांदी की मूर्ति में मौजूद है। गंगोत्री से तपोवन और गोमुख के लिए लोग पैदल यात्रा करते हैं, जो कि 18 किलोमीटर का एक ट्रैक है। गोमुख और तपोवन से संबंधित कुछ और बातें हैं जो मैं आने वाले समय में जब वापस गोमुख का ट्रैक करने के लिए आऊंगा तब उन खूबसूरत नज़ारों के साथ आपसे शेयर करूंगा। और
जो गोमुख का ट्रैक है वो यहीं से शुरू होता है आगे से, वहाँ से। तो गोमुख का ट्रैक काफ़ी लोग करते हैं, मैं भी करना चाहता था बट अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। ये देखिए यहाँ से व्यू जो है वो आपके सामने ही है, अल्टीमेट है यहाँ से। और भाई ठंड लग रही है बहुत सही, ये देखो सी सामने जो है थोड़े से आश्रम वगैरह बन रखे हैं, वहाँ पर सामने आश्रम वगैरह हैं। और ये देखो यहाँ पर ऊपर सी जेसीबी अपनी खुदाई में लगी हुई है सामने। तो जब कपाट वगैरह खुल जाएंगे तब की तैयारी चल रही है। ये देखिए भागीरथी तपस्थली, अभी हम लोग क्या करते हैं क्योंकि ठंड ज़्यादा बढ़ जा रही है, मौसम भी पीछे ख़राब हो गया है, तो यहाँ से कुछ खा के निकलते हैं अगर कुछ मिलता है तो, नहीं तो वापस हम लोग जा रहे हैं हर्षिल। चलिए फिर चलिए गाइस, यहाँ से भागने का टाइम आ गया है क्योंकि पंडित जी बता रहे हैं कि अभी बारिश तो नहीं होगी बेटा बट सीधा बर्फ़ गिरती है, यहाँ तो बर्फ़ गिर सकती है। हे प्रभु फिर से बुलाना मुझे जब कपाट खुल जाए आपके, और गोमुख का ट्रैक भी मैं करूँगा भाइयों बहनों। और वो देखो यार मौसम ख़राब हो रहा है, चलिए यहाँ से चलते हैं। और वो देखो एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया, नो ड्रोन जोन, यहाँ ड्रोन उड़ाना मना है। तो भाइयों अगर कोई मेरा व्लॉग देख रहा है और मोटो व्लॉगर हो और व्लॉगर हो तो भाई सावधान हो जाना, ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। चलिए वापस की ओर, मेरे तीन धाम हो चुके हैं, चार धाम में से उत्तराखंड के, गंगोत्री यमुनोत्री रह रहा है, गंगोत्री मैंने कर लिया, केदारनाथ और बद्रीनाथ, तो तीन हो चुके हैं। बस वो बात अलग है कि मेरे को यहाँ दर्शन नहीं हो पाए, कपाट बंद थे। हर्षिल में बंद है सब, हो सकता है क्यों आम मेला है ना, आम मेला है वहाँ। तो जी शाम के 4:30 बज रहे हैं, हम लोग निकलेंगे, कोशिश करेंगे हर्षिल रुकने की, अगर नहीं रुक पाए तो उत्तरकाशी वापस जाएंगे आज। और यहाँ पर जिनके पास हमने खाना खाया, लंच करा, वो भाई पीछे खड़े हैं और उन्होंने कहा कि यार आपको हमने, है भाई आपने मेरी वीडियो देखी है, अच्छा वीडियो अच्छी लगी हमें, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छे बनाते हो, चलो थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू। सो भाई ये होता है गिफ्ट जो अभी मिला, चलो जी यहाँ से निकलते हैं हर्षिल नहीं तो उत्तरकाशी वापस।
क्या मैसमराइजिंग व्यू है ना, देखो सी अमेजिंग यार, अमेजिंग। और यार ये व्यू हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, हम लोग अब एंटर हो रहे हैं हर्षिल ग्राम पंचायत हर्षिल के अंदर, और हर्षिल वैली जो है वो आसपास होगी, वह खैर वैली तो ये पूरी है उधर से उधर तक। बाकी अमित भी सही कह रहा है कि यहाँ रुकने का फ़ायदा है नहीं हर्षिल में, क्योंकि यहाँ हम ड्रोन भी नहीं उड़ा सकते और आर्मी का थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रोल ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा वीडियो बनाना अच्छा नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। बंद कर देता हूँ मैं फ़िलहाल, बाद में बात करता हूँ आपसे। हम लोग क्या कर रहे हैं, या तो उत्तरकाशी की तरफ हो जाएंगे या बीच में अंधेरा होने पर कहीं पर रुक जाएंगे, क्योंकि यार यहाँ पर आर्मी एरिया है और आर्मी एरिया में ज़्यादा वीडियोस नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी का भी मामला होता है, कुछ इश्यूज हो सकते हैं। और ड्रोन तो हम उड़ा ही नहीं सकते यहाँ पर क्योंकि आर्मी एरिया है, इसलिए मैंने पीछे कैमरा बंद कर दिया था। और ये मार्केट है हर्षिल की, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। मैं सोचा थोड़ा सा आपको दिखा दूँ यहाँ पर, और आगे फिर वही आर्मी एरिया आ जाएगा जहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं, तो वहाँ मैं कैमरा बंद कर लूँगा। बस ये पुलिया पार करते ही कैमरा बंद कर लेता हूँ। ये देखिए सब दूर दूर तक एक गाड़ी नहीं दिख रही, एक गाड़ी, वो देखो रास्ता। और हम लोगों की स्पीड इस समय 60 70 80 तक भी जा रही है इन रोड्स पे, इतनी तेज चल रहे हैं हम लोग। सो गाइस यहाँ पर पायलट बाबा आश्रम है, तो मैं सोच रहा था वहाँ रुकने को, बट यार खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, होटल की व्यवस्था नहीं है। अभी जट प्रभजोत जो फेमस यूट्यूबर हैं वो मिले थे, कुलदीप भाई मिले थे, कुलदीप भाई से तो आप पहली वीडियो में मिले ही थे। कुत्ता पीछे पड़ गया था, तो वो लोग मिले थे।